মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাজোট নিয়ে কটাক্ষ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এর। রবিবার চুচুড়ার পিপুলপাতের ডিআই মাঠের সভায় মহাজোটের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। রূপনগর বিস্কিটস 8-80 খেতে ভালোবাসি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাজোট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মহাজোটের সরকার তো গড়ে উঠবে না, আর যদি মহাজোটের সরকার হয় তাহলে ওই গাড়িকে কে চালাবেন, কে স্টিয়ারিং ধরবে, কে এক্সিলেটর ধরবে আর কে ব্রেক সামলাবে তা আগে ঠিক করুন। রবিবার চুচুড়া পিপুলপাতের ডিআই মাঠের সভায় মহাজোট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এভাবে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। लेकिन मैं देख रहा हूं यहां की टीएमसी के नेता ममता दी का मन अब पश्चिम बंगाल में कम लग रहा है, लग नहीं रहा, महागठबंधन हो रहा है। महागठबंधन बहनों भाई, गठबंधन। अरे भाई, महागठबंधन की सरकार तो बनेगी नहीं, यदि बन गई तो चलाएगा कौन? उस गाड़ी को कौन चलाएगा, महागठबंधन की गाड़ी को? पहले तय करें महागठबंधन के लोग कौन स्टीयरिंग पर बैठेगा, कौन एक्सेलरेटर दबाएगा, कौन कौन जो है ब्रेक दबाएगा, कैसे ये महागठबंधन की गाड़ी चलेगी। लेकिन महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए यह चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं यहां सरकारी कर्मचारियों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का 7th पे कमीशन लागू हो गया है कि नहीं, 6th पे कमीशन लागू हो गया है कि नहीं? नहीं हुआ है, सुन लो आप, त्रिपुरा में लागू किया। हमारी सरकार आएगी, मैं यहां के सारे कर्मचारियों को विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, सरकार आने के बाद हम 7th पे कमीशन यहां पर लागू करेंगे, 7th पे कमीशन लागू करेंगे मेरे बहनों। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এরাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে পেরে তৃণমূল কংগ্রেসে আমাদের সভা করতে বাধা দিচ্ছে, জুলুমবাজি করছে, মানুষকে সভায় যেতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আপনারা হিম্মত রাখুন, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করুন, কিন্তু রাজনীতি করতে গিয়ে হিংসার আশ্রয় নেবেন না, প্রয়োজনে অত্যাচার সহ্য করুন এবং যারা অত্যাচার করছে তাদেরকে চিহ্নিত করে আমাদের জানান। আগামী নির্বাচনে এরাজ্যে ঘাসফুল উবে গিয়ে পদ্ম ফুল ফুটবে, তারপরেই আমরা ওই অত্যাচারীদের জেলে জায়গা করে দেব। कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक फिजा बदल रही है, तेजी के साथ राजनीतिक फिजा बदल रही है। बिल्कुल यहां का राजनीतिक मौसम बदला हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं तो अभिनंदन करना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और समर्थकों का कि सारी बाधाओं को चीरते वह पश्चिम बंगाल में वह काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झोल मढ़ाया जाता है, लाठियां बरसाई जाती हैं, कोई कार्यक्रम और सभा करना चाहते हैं उन्हें अपने कार्यक्रम को नहीं करने दिया जाता। सभाओं में यदि जनता को ले जाना चाहते हैं तो जनता को भी रोका जाता है। सारी जानकारी हमारे पास, लेकिन मैं अपने सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, हिम्मत मत हारना। और मैं अपील करना चाहता हूं, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हाथ मत उठाना, जुल्म बर्दाश्त कर लेना, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता है उसका नाम नोट करके रखना, अगली सरकार अब तुम्हारी बनने जा रही है। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, এরাজ্যে লোকতন্ত্র লাঠিতন্ত্রে পরিণত হয়েছে, জাতপাতের বিচার করে সরকার চলছে, তৃণমূল ও সিপিএম দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দিচ্ছে, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে তাদেরকে ভোটের সময় কাজে লাগাচ্ছে। पश्चिम बंगाल के बारे में एक धारणा थी कि पश्चिम बंगाल जो आज सोचता है वही कल भारत में घटित होता है, यह पश्चिमी बंगाल के बारे में धारणा थी। आज सारे हिंदुस्तान में यह धारणा बदल गई है। हिंदुस्तान के पिछड़े राज्यों में नंबर 1 पर इस समय कोई राज्य है बहनों भाइयों, तो यह पश्चिमी बंगाल है। यहां पर योग्यता, प्रतिभा, क्षमता की कोई कमी नहीं है। यहां के नौजवानों के अंदर जो मैंने प्रतिभा देखी है, जो मैंने साहस देखा है, मैं कहना चाहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस ने और इसके पहले सीपीएम ने भी, बहनों भाइयों, यहां पर प्रतिभा संपन्न नौजवान हैं, लेकिन यहां पर अपराधियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, गुंडों को प्रश्रय दिया जा रहा है, बड़े बड़े दादा पैदा किए जा रहे हैं, जिसे हम कहते थे सोनार बंगला। क्या हो गया हमारे सोनार बंगला का? यह तृणमूल कांग्रेस बहनों भाइयों, मां, माटी और मानुष
कि आवाज देकर इन्होंने चुनाव में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन 7-8 वर्षों में ऐसे हालात तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बना दिए हैं कि न तो पश्चिमी बंगाल में मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है। मेरे बहन भाई, এরাজ্যে গত কয়েক বছরে 55,000 কলকারখানা বন্ধ হলে বোমা শিল্প রমরমিয়ে চলছে। তাই তো পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় জম্মু কাশ্মীরের পরে পশ্চিমবঙ্গ জায়গা করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, একসময় দেশের মধ্যে বাংলা সবার আগে থাকলেও এখন সবথেকে পিছিয়ে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কয়েকদিন আগে ঘটা করে শিল্প সম্মেলন করেছেন, কিন্তু একটা ফুটো কড়িও বিনিয়োগ আসেনি। শিল্পে বিনিয়োগের জন্য রাজ্যের আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। এখানে শিল্প করতে গেলে আগে সিন্ডিকেট দাদাদের সন্তুষ্ট করতে হয়। এই অবস্থা থাকলে কেউ টাকা বিনিয়োগ করবে না। তাই যুব সমাজকে বলছি, আপনারা বিজেপিকে সমর্থন করুন। আমরা ক্ষমতায় এলে সমস্ত বন্ধ কারখানা খুলে যুবক যুবতীদের কাজের ব্যবস্থা করব। শুধু তাই নয়, সপ্তম বেতন কমিশন চালু করব। আর মুঝে ইহ জানকারি মিলি হ্যায় যে সারে অ্যান্টি নেশনাল অর অ্যান্টি সোশ্যাল এলিমেন্টস ইয়া তো টিএমসি কে দ্বারা ইনহে প্রশ্রয় মিলতা হ্যায় অথবা সিপিএম কে লোগো কে দ্বারা ইনকো প্রশ্রয় মিলতা হ্যায়। और इन राजनीतिक पार्टियों के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं, इस बात की भी जानकारी हमको मिली है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि अब लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। मैं इस हकीकत को समझता हूं कि टीएमसी इस समय बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है। बहनों भाई, वह भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। उसको लग गया तृणमूल कांग्रेस को, कब यहां पर तृणमूल कांग्रेस जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। एक ऐसा माहौल यहां पर बना है। मैं बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बंगाल की जनता का भारतीय जनता पार्टी को तेजी से समर्थन मिल रहा है और निरंतर यह समर्थन बढ़ता जा रहा है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे नौजवानों, सुन लेना आज हमारी बात। जिस दिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, यहां पर इंडस्ट्रीज और उद्योग तो खुलेंगे, लेकिन बम बनाने के जो उद्योग यहां पर लग रहे हैं, बम बनाने की इंडस्ट्रीज यहां पर बंद होगी और जवानों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज यहां पर लगेगी। यह भी हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক প্রকল্প ঘোষণা করেছে, কিন্তু এই রাজ্যের সরকার তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। আবার যেগুলি কার্যকর করছে, মানুষকে বোকা বানাতে সেগুলির নাম পরিবর্তন করছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে প্রচুর অনুপ্রবেশকারী প্রতিদিন এ রাজ্যে ঢুকছে, তাই আমরা গোটা সীমান্ত এলাকা সিল করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রাজ্য সরকার সাহায্য করেনি, প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করেনি। তবে রাজ্য সরকার সাহায্য না করলেও আমরা ক্ষমতায় এলে 2-3 বছরের মধ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গোটা সীমানা সিল করার ব্যবস্থা করব। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমারা পড়োশী দেশ বাংলাদেশ হে, মেরে বহনো ভাইও, বাংলাদেশ পড়োশী দেশ সে বড়ি সংখ্যা মে অবৈধ ঘুসপাইছে ভারত মে আ রহে হ্যায়। মাই আপসে জাননা চাহতা হু, अवैध घुसपैठियों का प्रवेश या भारत में रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए? क्यों आ रहे हैं? केंद्र सरकार यह चाहती है कि भारत और बांग्लादेश की सीमाओं को सील कर दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार का जैसा, यहां की राज्य सरकार का जैसा केंद्र सरकार को सहयोग मिलना चाहिए, बहनों भाइयों, नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमें जमीन मिल जाए ताकि हम सारे बांग्लादेश और भारत के बीच, यानी पश्चिम बंगाल के बीच और असम से लगा हुआ जो बांग्लादेश का भाग है, उसको हम तारों से सील कर दें, पूरी सीमा को ही सील कर दें। लेकिन उसके लिए राज्य सरकार का जो सहयोग चाहिए, हमको सहयोग नहीं मिल रहा। लेकिन मैं आज आपको बता दे रहा हूं, भले ही हमको जमीन मिले अथवा ना मिले, बहनों भाइयों, आगामी कुछ वर्षों में करके दिखाएंगे आपको। अभी तक तो हमारी कोशिश थी कि जमीन मिल जाए और हम यहां की सीमाओं को सील कर लें, ताकि अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के अंदर न घुस पाए। लेकिन आज आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, हमारी सरकार बनाइए केंद्र में, केंद्र में सरकार बनने के बाद 2-3 वर्षों के अंदर हम यहां टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, तकनीक का प्रयोग करेंगे, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, उस माध्यम से
हम भारत और बांग्लादेश की सीमा को पूरी तरह से सील कर देंगे। हम यह आपको भरोसा दिलाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं। এদিনের সভায় রাজনাথ সিং ছাড়াও বিজেপি নেতা মুকুল রায়, রাহুল সিনহা, শ্রমিক ভট্টাচার্য, জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন পাল সহ একগুচ্ছ রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। ডিএম সরাসরি যদি তৃণমূলের ক্যাডারের সঙ্গে কাজ করে তাহলে আর কিছু বলার নেই। একটা বাইরের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আসছে বাংলায় অতিথিকে দেবভূ হিসেবে স্বীকার করা, এটাই বাংলার সংস্কৃতি। আর এখানে কি দেখছি আমরা, অন্য রাজ্যের যে মিনিস্টার আসছে সে যাতে নামতে না পারে, সভা করতে না পারে, এইরকম অসম্মান আচরণ ভারতবর্ষে কোথাও নেই। অতএব তৃণমূল কংগ্রেস হারার আগেই হেরে বসে আছে, বুঝতে পেরেছে যে এ যাত্রায় জিততে পারবে তো সেই কারণে মোদিজির নীতিঘাটকে কিংবা অন্য কোনো নেতার নীতিকে প্রশাসনের দ্বারা চক্রান্ত করে বন্ধ করে যদি তৃণমূল কংগ্রেস ভাবে পার পেয়ে গেছে, পার পাবে না, কারণ মানুষ এই জাতীয় নক্কারজন কাজকে কোনোভাবে সমর্থন করে না, কোনোভাবে সমর্থন করে না। নিউজ আজ বাংলা, চুঁচুড়া।